आज बात दुनिया के सबसे सफल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना के अविश्वसनीय प्रेम कहानी के बारे में। You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक साधारण से दिखने वाली अर्जेंटीना लड़की की मुलाकात जब दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर से होती है और कैसे उनका प्यार परवान चढ़ता है। जॉर्जिना रोड्रिगस, एक समय था जब ये एक साधारण सी जिंदगी से जी रही थी, लेकिन आज जॉर्जिना प्राइवेट जेट्स में यात्रा करती है और अब वो जो चाहे खरीद सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगस पिछले 6 सालों से साथ में हैं और उनके बीच रिश्ता बेहद ही मजबूत है, लेकिन इस बीच सवाल ये आता है कि दुनिया के सबसे सफल और अमीर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस साधारण सी जिंदगी जीने वाली लड़की को ही क्यों अपना पार्टनर चुना, और इनकी जिंदगी में सबसे खराब आखिर पल क्या है, और कैसे दोनों मिलकर अपने मुश्किल वक्त से बाहर आए, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जॉर्जिना रोड्रिगस का जन्म अर्जेंटीना में हुआ और ये जाका में पली बड़ी, जो कि उत्तर पूर्व स्पेन में एक शहर है जिसकी आबादी सिर्फ 13,000 है। जॉर्जिना रोड्रिगस के पिता अर्जेंटीनियन थे और उनकी माँ स्पेनिश थी। जब जॉर्जिना 9 साल की हुई तो उनके पिता को 11 साल की सजा सुना दी गई। उनकी माँ एना मैरिया अपने 2 बच्चों के साथ अकेले रह गई थी। जॉर्जिना की एक बहन भी थी जिनका नाम था इवाना। क्या इस तरह के बचपन को खुशनुमा कहा जाएगा? किसको ये पता था कि उनकी माँ को इतनी परेशानियों से अपने 2 बच्चों को पालना पड़ेगा। इसी वजह से जॉर्जिना को शुरू से ये पता था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जॉर्जिना को बचपन से डांस का शौक था, लेकिन वह इससे अपने करियर में ज़्यादा पैसा नहीं बना पाई, जिसके बाद जॉर्जिना ने अपने होम टाउन में ही वेटर का काम चुना, जहाँ कुछ समय बाद वह इंग्लैंड चली गई। और पैसों की कमी होने के बावजूद जॉर्जिना के सपने बड़े थे और उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन अपने सपनों को जिएगी। लेकिन फिर लंदन जाके जॉर्जिना ने अंग्रेज़ी सीखी, जिसके बाद वह स्पेनिश कैपिटल मैड्रिड चली गई और वहाँ उन्हें गुची के शोरूम में शॉप असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। जॉर्जिना ने बहुत मेहनत की जिससे वह अपने घर का किराया दे सके और रोज़ाना अपने काम के लिए बस में यात्रा कर सके। उस समय भी जॉर्जिना को लग्जरी ब्रांड्स का शौक था, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि वह उन्हें खरीद सके। फिर एक दिन आया जब जॉर्जिना की मुलाकात दुनिया के सबसे सफल फुटबॉलर रोनाल्डो से हुई और वहाँ से उनकी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन आखिर ये मुलाकात हुई कैसे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पाना कई लड़कियों का सपना था। रोनाल्डो हैंडसम थे, कामयाब भी थे और दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट भी। अपने स्पोर्ट्स करियर के दौरान रोनाल्डो ने $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए तक कमाए और कम उम्र में ही वह खूबसूरत महिलाओं के इर्द गिर्द रहते नजर आए। रोनाल्डो ने अभिनेत्री गैमा एथिंगसन को डेट किया, साथ ही ब्राज़ील की मॉडल जॉर्डाना जर्डेल, पोर्टुगल की मॉडल टीवी प्रेजेंटर मैर्चे रोमरो और कई सारी खूबसूरत महिलाओं को डेट किया। लेकिन इनका सबसे लंबा रिलेशन रूस की टॉप मॉडल इरीना शायक के साथ रहा, जो कि 5 साल तक चला। रोनाल्डो हमेशा से ये चाहते थे कि उनका परिवार हो और बच्चे हों। रोनाल्डो ने ज़्यादातर अभिनेत्रियों, मॉडल और टीवी होस्ट को ही डेट किया, लेकिन सभी अपने करियर में व्यस्त थे। और साल 2010 में रोनाल्डो पहली बार पिता बने। उस समय अमेरिकन वेट्रेस के साथ उनके संबंध थे, जिसके बाद रोनाल्डो ने महिला को $10 मिलियन तक दिए ताकि वे बच्चे की पहचान को छुपा कर रखे, साथ ही बच्चे का देखरेख कर सके। फिर 7 सालों बाद रोनाल्डो 2 बच्चों के पिता बने, जो कि सरोगेसी से पैदा हुए। एक बार फिर किसी को भी बच्चे की माँ का नाम नहीं पता लगा। हालांकि इतना सब होने के बीच रोनाल्डो को प्यार करने वाला हमसफर चाहिए था, जो उनके साथ रहे और उनके बच्चों की देखरेख करे। लेकिन एक दिन आखिरकार उनकी मुलाकात जॉर्जिना से हुई, जिससे उन्हें प्यार हुआ। जब जॉर्जिना मैड्रिड में गुची बुटीक में काम कर रही थी, तो एक दिन उनकी मुलाकात रोनाल्डो से होती है, जो कि उनकी दुकान में कुछ कोट्स खरीदने के लिए आए थे, जो अपने बड़े बेटे के साथ वहां पर पहुंचे थे। जॉर्जिना ने वहां एक हैंडसम व्यक्ति को खड़े देखा और उन्हें देखते ही रह गई, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। ये लव एट फर्स्ट साइट था। हालांकि पहली मुलाकात के कुछ महीनों बाद ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, जिसके बाद रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वह जब जॉर्जिना से मिलेंगे तो उन्हें इतना प्यार हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यकीन भी हुआ कि ये वही लड़की है जिनके साथ वे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। जॉर्जिना जब काम पर आती थी तो वह बस से आती थी, लेकिन वह वापस लग्जरियस बुगाटी कार में जाती थी। कुछ समय बाद जॉर्जिना ने अपनी जॉब को छोड़ दिया
और फिर साल 2017 में पहली बार रोनाल्डो के साथ एक सोशल इवेंट में दिखी, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि दोनों डेट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी नज़र आते थे। रोनाल्डो से मिलने के बाद जॉर्जीना की ज़िंदगी बदल गई और अब जॉर्जीना को हर रोज़ काम के लिए बस में यात्रा भी नहीं करनी पड़ती, अब वह प्राइवेट जेट में ट्रैवल करती है। अब वह गुची बुटीक से अपनी पसंद का कोई भी सामान खरीद सकती है। जॉर्जीना मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई है और उनके इस समय इंस्टाग्राम पर 46.8 मिलियन फॉलोअर हैं। अब वह कई ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं और काफ़ी पैसा भी कमाती हैं। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति भी हैं। रोनाल्डो के 553 मिलियन फॉलोअर्स हैं। साल 2017 में जॉर्जीना और रोनाल्डो का पहला बच्चा हुआ। उनकी बेटी का नाम था एलेना मार्टिना। ये रोनाल्डो का चौथा बच्चा था। रोनाल्डो इस बात से बेहद ही खुश थे कि उन्हें अपना प्यार मिला और बच्चों की देखरेख करने के लिए माँ भी। जॉर्जीना अपने काम में माहिर थी और जॉर्जीना ने बच्चों की देखभाल करनी शुरू कर दी। और अब रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड को 1,00,000 यूरो हर महीने देते हैं, ताकि वह सब सही तरीके से चला सके। और ये माना जाता है कि ये पैसा खुद के खर्च और बच्चों की देखभाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिसके बाद साल 2021 अक्टूबर में रोनाल्डो और उनकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि वह ट्विंस को जन्म देने वाले हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिसका वे बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। हालांकि अप्रैल 2022 में खबर यह आती है, रोनाल्डो और जॉर्जीना ने खुद बताया कि बेटे का जन्म से पहले ही वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है और वह सिर्फ बेटी को ही बचा सके हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस पोस्ट को लिखा और इस दुखद खबर की जानकारी भी दी। इनके परिवार में ये सबसे बड़ा दुख था, जिससे निकलने में उन्हें काफ़ी वक्त लग गया और उन्हें इस बात का भी मलाल था कि वे अपने छोटे बच्चे को इस बारे में क्या बताएंगे। और कुछ समय बाद आखिरकार अपने बच्चों को इस बारे में उन्होंने बताया और इस दुखद घटना के बाद दोनों के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते चले गए। रोनाल्डो ने कहा कि मैंने कभी खुद को इतना खुश और दुखी एक समय पर नहीं पाया है, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। रोनाल्डो ने कहा कि वे अब जॉर्जीना के और करीब आ चुके हैं और अब मुझे जॉर्जीना से और प्यार हो गया है और अब मैं ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से भी देखता हूँ। और अब रोनाल्डो और जॉर्जीना मिलकर 5 बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी अपने उस बेटे की याद आती है जो उनके बीच नहीं रहा है। लेकिन अब वे फिर से खुशी खुशी साथ रह रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, रोनाल्डो को आखिरकार वो हमसर्वर मिला है जो उनके सुख और दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा है। क्या आपको लगता है कि ये प्यार हमेशा के लिए है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।